बस करो नैन तारा, और कितना रोगी तुम? मुझे नहीं समझ आता, मैं हर वक्त रोती हूँ, आप भी, मैं दिन रात रोती हूँ, लेकिन किसी को भी आंसू नजर नहीं आते यहाँ पे। अच्छा बस, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे अरमान वापस आएंगे। जब मेरे अरमान वापस नहीं आ रही है तो फिर सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है? हिम्मत से काम लो नंदा, आप ही समझाएं इसे, इसे तो नहीं संभल रही। रो क्यों रही हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? मेरा जो भी था वो चला गया, और इस बात का हमें भी अफसोस है, लेकिन उसका जाना लिखा था नैनतारा, तकदीर के लिखे को कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा सरपरस्त, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फिक्र मत कर, हम तुम्हें लेने ही हैं, यहाँ अकेली नहीं हो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हमारे साथ चलो। अपने साथ ले जाए हैं मतलब? यहाँ रह के क्या करोगे तुम? हमारे साथ चलो, हमारे घर, अम्मी अबू के घर। लेकिन रामीन अभी? नैनतारा, रामीन मुझे बताती रही है जो कुछ भी इस घर में इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। मेरा दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं वहां बैठ के कुछ भी नहीं कर सकता था, पर अब मैं आ गया, अब तुम्हारे साथ मैं और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती। मेरी बहन, तुम्हारा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। किस तरह का सलूक करते हैं ये लोग तुम्हारे साथ? हाँ, अब इसके बाद इन लोगों से किसी भलाई की उम्मीद रखना बेवकूफी है। लेकिन रामीना भी, अम्मी बहुत नाराज होंगी, उन्हें बहुत दुख भी होगा, और मैं वहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी? अकेली नहीं हो तुम, हम है ना, हम तुम्हारी। तुम्हारी बात किसी हद तक दुरुस्त है नैनतारा, लेकिन तुम इस माशरे की मुनाफ़क़त से वाकिफ नहीं हो। ये लोग तुम्हारा जीना हराम कर देंगे, तुम्हारे किरदार पर ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे कि सोच सोच के मुझे तो झुरझुरी आ जाती।